हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्डू वर्ल्ड। हम लोगों के यूट्यूब चैनल एड्डू वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये एक 5 जुलाई का सर्कुलर है जो कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है, जो स्पेशल असेसमेंट बताया गया है बोर्ड के द्वारा क्लास 10th और 12th के लिए किस सेशन में, 21-22 सेशन के लिए। यानी जो स्टूडेंट 21-22 में आइदर 10th में गए हैं या 12th में गए हैं, याद रखिएगा 10th में गए हैं या 12th में गए हैं, ना ही तो जिनका कि 10th एंड होने वाला है ना ही जिनका कि 12th एंड होने वाला है, जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनके लिए इसमें कोई भी सर्कुलर नहीं है। इस बात को ध्यान समझ लीजिएगा। वैसे स्टूडेंट जो कि या तो क्लास 10th में इस साल गए हैं या फिर क्लास 12th में इस साल गए हैं उनके लिए ये सर्कुलर है। तो देख सकते हैं COVID-19 पेंडेमिक के कारण जो है CBSE कहना है कि ज़्यादातर जगहों पर वर्चुअल मोड में ही पढ़ाई हो रही है, तो और ये बहुत ज़्यादा रिस्क भी ये लोग नहीं ले सकते हैं, इसी कारण से एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया है। तो इस वजह से सिलेबस के असलाइजेशन के लिए जोर दिया गया था कि बहुत जगहों पर सिलेबस जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो फैसिलिटी, नेटवर्क की फैसिलिटी बहुत ही ख़राब है, इस कारण से वहाँ पर कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बहुत सारे जगहों पर YouTube के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, कुछ जगहों पर YouTube के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहते हैं। तो CBSE ने एक सर्वे करवाया था जिसके बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि सिलेबस को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ इसमें जो है बदलाव लाना पड़ेगा, एक रेशनलाइज सिलेबस को बनाना पड़ेगा। रेशनलाइज का मतलब हुआ कि सिलेबस को कम करके, जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले साल जो है 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ था, तो इस साल भी उम्मीद रखिए कि इतना ही लगभग सिलेबस में रिडक्शन होगा। 30-40% सिलेबस साल भी रिड्यूस होना चाहिए। तो ये रिड्यूस सिलेबस होगा, इसकी जो संभावनाएं हैं कि कब होंगी तो इसके बारे में बताया जाएगा जुलाई के महीने में ही। आइए समझते हैं स्पेशल स्कीम है क्या। तो देखिए, इस स्कीम में ये कहा गया है कि जो एकेडमिक सेशन होगा इसको दो भागों में या दो टर्म्स में डिवाइड किया जा रहा है। 50% सिलेबस ईच टर्म में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका ये पूरा बुक है जिसमें कि आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सपोज़ कीजिए कि एक सब्जेक्ट में आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपका जो पहले एग्ज़ाम होता था बोर्ड का, कि आपको एक साल में, 1 ईयर में 1 एग्ज़ाम देना होता था बोर्ड के लिए, फॉर CBSE बोर्ड, और इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम्स तो होते रहते थे, तो वो सब होते रहेंगे, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। बोर्ड के लिए क्या है, अब इन्होंने क्या किया है कि इस एक ईयर के सिलेबस को इन्होंने दो भाग में बांट दिया है, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, ऐसा आप समझ सकते हैं। पहला जो है वो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में, अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में वो एग्ज़ाम होगा। तो पहला जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपका 50% सिलेबस आएगा, उससे आपको तैयारी रखनी है, और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपको रेस्ट 50% सिलेबस से एग्ज़ाम आएगा। यानी अगर पहले जो आप लोग जानते होंगे, पहले के समय में SA1 समेटिव 1 असेसमेंट और समेटिव 2 असेसमेंट हुआ करता था 4-5 साल पहले, तो जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था बोर्ड में, जिस समय कपिल सिब्बल हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो एट दैट टाइम समेटिव असेसमेंट 1 एंड समेटिव असेसमेंट 2 बोर्ड के द्वारा लिया जाता था, जिसमें इसी तरह की प्रक्रिया थी। 50% जो था वो आपका एक बार पढ़ना होता था 6 महीने पे, और 50% फिर आपको 6 महीने पढ़ना पड़ता था। उससे ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यह जो एग्ज़ाम पहले होता था समेटिव असेसमेंट का, यह आपको आपके होम सेंटर पर ही देना होता था, बट इसमें कोई भी एक्सटर्नल्स नहीं आते थे, आई थिंक कोई बाहर से CBSE बोर्ड की तरफ से लोग नहीं आते थे। लेकिन इस एग्ज़ाम में यहाँ पर क्या होगा, आपके इसमें जो है एक्सटर्नल्स आएंगे जो कि CBSE के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और उनके निगरानी में आप एग्ज़ाम देंगे, तो इस कारण से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब समझिए बोर्ड ही एग्ज़ाम ले रहा है, जब एक्सटर्नल्स वहाँ अवेलेबल है इसका मतलब है कि बोर्ड का ही एग्ज़ाम है, बट ये है आपके होम सेशन में हो रहा है। दूसरा बात क्या कहा जा रहा है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका सिलेबस है 21-22 के लिए उसको रेशनलाइज किया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन जुलाई 2021 में आएगी। रेशनलाइज किया जाएगा इसका मतलब है कि आपकी जो सिलेबस है जो कि 100% है, समझ लीजिए उसमें 30% तक का रिडक्शन हो सकता है, तो यानी अब आप लोगों को 70% ही पढ़ना होगा। बट जहाँ तक मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि CBSE कभी भी आप लोगों के चैप्टर्स को नहीं हटाएगी,
वो क्या करेगी, आपके जो भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आगे, तो उसको वो हटा सकती है। तो अधिक से अधिक रेशनलाइजेशन में ये होगा कि चैप्टर्स के टॉपिक हटेंगे जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाद बाकी चैप्टर तो रहेगा ही रहेगा सारा, आई थिंक दैट। बट आगे हो सकता है SST वगैरह में चैप्टर्स भी हटाए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल हमने देखा है रेशनलाइजेशन के क्रम में कि CBSE ने चैप्टर्स भी हटाए हैं। तो SST की बात नहीं करते हैं, बाद बाकी जो आपका मैथ साइंस है इन सब में रेशनलाइजेशन होगा, इसमें कि चैप्टर के टॉपिक्स हटाए जाएंगे। एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड एज पर द गाइडलाइंस, एंड मॉडरेशन पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड टू इंश्योर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क। और इसमें जो है मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। एक दूसरा बात क्या है, जो कि इंटरनल असेसमेंट होगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के जो काम होंगे वो ज़्यादा क्रेडिबल हों, ज़्यादा विश्वसनीय हों और वैलिड हों, यानी CBSE अपने तरफ से उसमें पूरी तरह से प्रयास करेगा कि जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शी रहे और किसी को भी इस बात का मौका नहीं मिले कि वो CBSE पर उंगली उठा सके कि हमारे पास हमारा नंबर कम आए हैं या एनी टाइप ऑफ थिंग्स यू नो। डिटेल्स क्या है, 9th 10th के लिए इंटरनल असेसमेंट होगा, 11th 12th के लिए भी इंटरनल असेसमेंट होगा। अब इंटरनल असेसमेंट में टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। स्टूडेंट के पोर्टफोलियो बनेगा कि स्टूडेंट ने कितना पढ़ाई की है, उसके क्लास अटेंडेंस क्या थी, ये सभी का मान के चलिए लगभग लगभग एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा। प्रैक्टिकल्स क्या किए हैं आप लोगों ने, आप लोगों ने कितना काम किया है, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ में आपने क्या भाग लिया है और प्रोजेक्ट आपने कितना क्लियर किया है, इन सभी के ऊपर जो है ज़्यादा इम्फेसाइज फोकस रहेगा। वहीं क्लास 11th 12th की बात करें, यानी 11th 12th इन द सेंस क्या कि जो स्टूडेंट अभी 11th में गए हैं इस साल 2021 में और वो अपना बोर्ड 2022 में देंगे, तो उनके लिए है ये कि जो 2021 में गए हैं और 2022 में जो अपना रिजल्ट यानी एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए ये है कि थ्रू आउट द ईयर इंस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड 2 1 2 को छोड़ दिया जाएगा, इट विल इंक्लूड द टॉपिक और यूनिट टेस्ट एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स। इसी तरह से आपको यूनिट टेस्ट जो भी लिए जाएंगे, जो एक्टिविटीज़ आपको कराई जाएंगी, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिया जाएगा, वो सभी इंक्लूड किए जाएंगे आपके असेसमेंट में फाइनल रिजल्ट में। अदरवाइज स्टूडेंट वुड क्रिएट अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एडवांसेस इन एविडेंसेस इन डिजिटल फॉर्मेट। स्कूलों के लिए ये काम है कि स्कूल जो होंगे वो हर स्टूडेंट के प्रोफाइल को कि उसने जितने भी असेसमेंट्स दिए हैं उन सभी को वो डिजिटल फॉर्मेट में सबूत के तौर पे जमा करके रखें। जैसे मान लीजिए आपने असेसमेंट में कोई एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में आपको मान लीजिए 50% मार्क्स आया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस रिजल्ट को उनको क्या करना होगा, स्कैन करके या PDF बना करके उसका और अपने पास डिजिटल फॉर्मेट में स्कूल को सुरक्षित रखना होगा। तो ये सभी प्रक्रियाएं बोर्ड के द्वारा इसलिए ली जा रही हैं, कही जा रही हैं ताकि कहीं भी एग्जामिनेशन या रिजल्ट जो हो वो बिल्कुल फेयर हो, उसमें कहीं भी कोई तरह का लापरवाही ना हो जिससे कि CBSE फिर बाद में कोई बात ना उठे। तो और गाइडलाइंस जो है रिलीज की जाएंगे रेशनलाइज टर्म के, और उसमें जो है डिवाइडेड सिलेबस भी रहेगा 21-22 के लिए। एडिशनल रिसोर्सेज जैसे कि सैम्पल असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स, टीचर ट्रेनिंग्स, ये सभी बाद में प्रोवाइड किए जाएंगे CBSE के द्वारा। एक्चुअली अभी जो पेंडेमिक है उस पेंडेमिक के वजह से जो है CBSE ने ये सोचा है, ये समझा है कि अभी ज़रूरी है इस तरह के स्पेशल स्कीम का। थोड़ा सा समझिएगा, ये टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होंगे और टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होंगे वो किस तरह से होंगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म जब ख़त्म होगा वैसे ही बोर्ड जो है टर्म 1 एग्जामिनेशंस कराएंगे, जो कि लगभग नवंबर से दिसंबर के बीच में होने तय है, और इसका विंडो पीरियड कितना होगा, 4 to 8 weeks होगा स्कूल के लिए, यानी 4 से 8 हफ्तों के बीच में इसको ले करके, इसका असेसमेंट कर करके और CBSE के वेबसाइट पे इसको अपलोड कर देना होगा इसके रिजल्ट्स को। एग्जामिनेशन के डेट CBSE नोटिफाई करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो होंगे जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए होंगे उसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQs होगा, यानी प्योरली ऑब्जेक्टिव होंगे ये। फर्स्ट जो आपके टर्म के क्वेश्चन होंगे वो प्योरली ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो केस बेस्ड MCQs होंगे और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे।
देखिए एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके बिहाफ में आपको आंसर्स दिए गए हैं, आपको उस आंसर्स में से कोई एक सेलेक्ट करना है। और ये प्रक्रिया जो होगी आपकी कहाँ होगी, ओएमआर शीट पर होगी। आपको ओएमआर शीट में संबंधित जो भी आंसर है उस आंसर को फिल करना होगा और फिल करके उसको जमा करना होगा। बट बिल्कुल भी इसको हल्के मत लीजिए, ये क्वेश्चंस के लेवल जो होंगे आई डोंट थिंक ये क्वेश्चंस के लेवल इजी होंगे, ये मॉडरेट टू हाई हो सकते हैं। तो इसलिए अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, अपने पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है, अधिक से अधिक जितना अधिक हो सके प्रैक्टिस करते रहना है। यदि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। नाउ यह जो टर्म वन का एग्ज़ाम होगा यह लाइव सिलेबस के ही द्वारा होगा। टेस्ट का ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा, 30 × 3 90, वन एंड हाफ आवर्स का होगा, जिसमें कि सिर्फ रेशनलाइज सिलेबस से ही पूछा जाएगा, यानी 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस ही आएगा आपका टर्म वन में। क्वेश्चन पेपर के साथ सीबीएसई के द्वारा मार्किंग स्कीम या कह सकते हैं कि किस तरह से इवेल्युएट करना है उसका तरीका भी बोर्ड को भेजा, बोर्ड के द्वारा भेजा जाएगा स्कूल्स को, और उसी के बिहाफ पे स्कूल्स उसको चेक करेंगे। एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट होगा वह एक एक्सटर्नल सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स के देखरेख में होगा, सीएस के देखरेख में होगा। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट आएंगे, दूसरे जगह से अपॉइंट किए जाएंगे और उस स्कूल में जो एग्ज़ाम होंगे उसको ये निगरानी, अपने निगरानी में कराएंगे। एंड ऑब्जर्वर भी रहेंगे जो कि सीबीएसई के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। जिससे प्रैक्टिकल्स में आप लोग जाते हैं तो वहाँ आपको ऑब्जर्वर मिलते हैं, एक्सटर्नल्स मिलते हैं, उसी तरह की जो है यहाँ पर सिचुएशन होंगी। तो ये अच्छा कदम है सीबीएसई के द्वारा। रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन ओएमआर शीट, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को ओएमआर शीट पर फिल करना होगा सारी चीज़ें। विच आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोडेड टू सीबीएसई पोर्टल फॉर अल्टरनेटिवली मे बी एवेल्युएटेड एंड मार्क्स ऑब्टेंड विल बी अपलोडेड बाय स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। जिस दिन आपके एग्ज़ाम होंगे उसी दिन आपका जो ओएमआर शीट है उस ओएमआर शीट को अपलोड कर दिया जाएगा बोर्ड के वेबसाइट पर। वो लिंक पासवर्ड सब सब रहेगा स्कूल्स के पास में और उनके द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। और उस ओएमआर शीट पर अपलोडेशन के बाद आपका इवेल्यूएशन हो जाएगा सेम डे ही। ये सारा काम कब करना है, सेम डे करना है। तो बोर्ड ने यहाँ पर बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया बनाती है जिससे कि कहीं भी मिसकंडक्ट या मिसफेयर ना हो किसी के साथ भी। फाइनल डिसीजन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू स्कूल बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड इसको स्कूल्स को निश्चित रूप से कन्वे करेंगे। मार्क्स ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवर स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि टर्म वन के जो मार्क्स होंगे वह बिल्कुल जुड़ेंगे फाइनल ओवरऑल स्कोर में। अगर मान के चलिए आपने फर्स्ट टर्म में 50 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 100 और सेकेंड टर्म में 70 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 100, तो आपका टोटल स्कोर हो जाएगा 70 + 50/2, दैट इज एवरेज, दैट इज 120/2, दैट इज 60%। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, यानी इसमें आपको इसके वेटेज और इसके वेटेज टर्म वन के और टर्म टू के दोनों के ही वेटेज मिलेंगे। सो डोंट टेक चांसेस, दिस इज यू नो समथिंग लाइक यू कॉन्ट स्केप। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, छोड़ना नहीं होगा इसको। और अच्छा है सिलेबस चूँकि रिड्यूस हो गया, रेशनलाइज हो गया है, उसके साथ में आपको 50% सिलेबस ही पढ़ना है। सो मना इट इज़ जस्ट लाइक एन अपॉर्चुनिटी ना। टर्म टू एग्जामिनेशन की बात किया जाए कि जब ईयर का एंड होगा तब जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और वो एग्जामिनेशन कब लिया जाएगा, अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप अप्रैल समझिएगा या मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में लिया जाएगा, मार्च शुरू करके अप्रैल में खत्म होगा। कहाँ होगा इसके द्वारा सेंटर्स बोर्ड के द्वारा फिक्स किए जाएंगे। पेपर जो होगा कैसा होगा, 2 आवर ड्यूरेशन का होगा। पहले जो पेपर्स होते थे वो 3 आवर ड्यूरेशन के होते थे, अब जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 आवर ड्यूरेशन के होंगे। एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, इनमें अलग तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये आप लोग पहले भी इस तरह से देख चुके हैं कि 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला था उसके जो एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट थे तो वो सेम फॉर्मेट यहाँ पर है कि इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है तो टेन्योर का, पहले 3 घंटे क्वेश्चन दिए जाते थे अब 2 घंटे क्वेश्चन होंगे। निश्चित रूप से 2 घंटे के जब क्वेश्चन होंगे तो उसके क्वेश्चंस की संख्या में, नंबर्स में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा, आई थिंक नंबर्स को रिड्यूस किया जाएगा।
इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अगर कहीं ऐसा होता है कि कोविड की वेव फिर से आ जाती है जिससे कि एग्जाम नहीं लिया जा सकता है, सो देन अ 90 मिनट एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म टू ऑल्सो। तो टर्म टू के एंड तक में एक 90 मिनट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होगा और उस एमसीक्यू के ही बेसिस पर आप लोगों को फिर मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। मार्क्स ऑफ द टर्म टू एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, और फिर आपके टर्म वन के मार्क्स और टर्म टू के मार्क्स जोड़ करके आपको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें और भी आपके जो स्टूडेंट पोर्टफोलियो के मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स मिलेंगे, वो सभी समाप्त होकर के और तब आपके फाइनल रिजल्ट को तैयार करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि किस तरह से आप लोगों को आगे तैयारी करनी है। ये अलग अलग तरह के सिचुएशंस के लिए है कि अगर उस वैसा सिचुएशन इनकेस हो जाता है तो उसमें असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा। अगर पेंडेमिक का सिचुएशन इम्प्रूव होता है और स्टूडेंट्स स्कूल आकर के या सेंटर पर आकर के एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम टर्म वन और टर्म टू को स्कूल सेंटर्स पे ही कवर करेंगे और जो थ्योरी के मार्क्स होंगे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में। यानी आप कह सकते हैं होम सेंटर, आपके होम सेंटर दिए जाएंगे और उसी होम सेंटर पर आप एग्ज़ाम देंगे। और फिर कैसा होगा, थ्योरी मार्क्स को बांट दिया जाएगा इक्वली बिटवीन टू एग्जाम्स। इन केस अगर पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नॉर्मल दिसंबर बट टर्म टू आर हेल्ड एट स्कूल सेंटर, अगर ऐसा होता है कि पेंडेमिक आता है और पेंडेमिक के कारण नवंबर दिसंबर के एग्जाम्स नहीं हो पाते हैं लेकिन टर्म टू एग्जाम्स हो सकते हैं, तो क्या होगा, टर्म वन के जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे वह स्टूडेंट्स के द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में घर से ही लिए जाएंगे और इसका वेटेज जो होगा फाइनल स्कोर के लिए उसको कम कर दिया जाएगा। अगर आपके घर से एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इसके वेटेज को घटा दिया जाएगा, यानी पहले अगर 100% वेटेज था अब इसको घटा करके 70% वेटेज कर दिया जाएगा या 50% वेटेज, जो ऐसा बोर्ड चाहे। अगर मान लीजिए आपको 100 में 50 मार्क्स आता है तो पहले आपके 50 मार्क्स जुड़ने वाले थे टर्म टू में, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको घर से एग्ज़ाम देना पड़े तो क्या होगा, फिर इसका कुछ हिस्सा ही आपको, जैसे अगर 70% तो आपको 35 मार्क्स इसके जुटेंगे जाकर के फाइनल स्कोर में। तो इस तरह का ये सिचुएशन यहाँ पर होगा। तो ये वेटेज जो है डिक्लेयर किया जाएगा आपको फाइनल रिजल्ट के ही दौरान कि वेटेज कितना दिया जाएगा फर्स्ट असेसमेंट के लिए। इन द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 22 बट टर्म वन एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल एट सेंटर्स, यहाँ पर देखिए सीबीएसई ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस गाइडलाइन को जारी किया क्योंकि इसमें हर बात को ध्यान में रख करके इस गाइडलाइन को बनाया गया है। यदि आपके एग्ज़ाम वन हो जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम टू नहीं हो पाते हैं सो व्हाट, तो क्या होगा, द रिजल्ट शुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म वन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। तो सिंपल, आपका जो आपने एमसीक्यू दिया हुआ है और जो आपने इंटरनल असेसमेंट दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट जिसमें है, प्रैक्टिकल्स हैं, अटेंडेंस हैं, ये सभी जितनी चीज़ें हैं ये सभी मिलकर के आपका रिजल्ट तैयार करेगा बोर्ड। यानी कि आप निश्चित रूप से ये बात समझिए कि सीबीएसई ने पूरी तैयारी कर ली है, किसी भी तरीके से इस साल पेंडेमिक आप लोगों के रिजल्ट को खराब नहीं कर पाएगा। नाउ इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्ट इज टर्म वन टर्म टू एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन सेशन 21-22, यदि ऐसा होता है कि बिल्कुल किसी भी प्रकार से स्कूल खुलने की संभावना नहीं होती है पेंडेमिक के कारण और आपने टर्म वन और टर्म टू दोनों ही घर से दिया है 2021-22 में, तो क्या होगा, जो रिजल्ट होंगे उनको कंप्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क थ्योरी मार्क्स वन टर्म एंड टर्म टू एग्जाम्स टेकन बाय कैंडिडेट फ्रॉम होम इन क्लास 11-12 सब्जेक्ट टू द मॉडरेशन और अदर मेजर्स टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। तो आपके घर से दिए हुए जो एग्जाम्स होंगे उनके रिजल्ट्स में सीबीएसई इस तरह से अदर मेजर्स लगाएंगी या मॉडरेशन पॉलिसी लगाएंगी
जिससे कि जो रिजल्ट है उसके रिलायबिलिटी पर और उसके वैलिडिटी को इंश्योर किया जा सके। यानी ऐसा कुछ मेजर्स इसमें ज़रूर डाला जाएगा, मॉडरेशन पॉलिसी या अदर कुछ भी ऐसा चीज़ें की जाएंगी, कुछ रेशनलाइजेशन होगा जिससे कि आपके रिजल्ट जो होंगे वो फेयर होंगे। आपने घर से भी एग्ज़ाम दिया है तो आपको फेयर मार्क्स ही मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किसी भी केस में CBSE तैयार है इस साल आप लोगों को रिजल्ट देने के लिए। उसने पूरा अपना पहले ही तैयारी कर ली है कि अगर टर्म 1 लेंगे तो कैसे लेंगे, टर्म 2 लेंगे तो कैसे लेंगे, अगर टर्म 1 हुआ और 2 नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे देंगे, अगर टर्म 2 हुआ और 1 नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे देंगे। तो मतलब CBSE ने पूरी पूरी तैयारी कर ली है। आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर रहना होगा। तो निश्चित रूप से इस बार आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन हो सकता है, प्लस में क्या है ऑफलाइन भी हो सकता है। तो दोनों ही सुविधाएं हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। तो दिस कॉल्स फॉर अ बिग चेंज, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आप लोग निश्चित रूप से फर्स्ट ही बैच होंगे बहुत समय के बाद जो इस तरह से एग्ज़ाम्स देंगे। सो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को मेरे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। और भी वीडियोस मैंने आपके एकेडमिक लेक्चर्स के लिए डाले हुए हैं, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वो देख सकते हैं। कंप्लीट IUPAC नॉमिनेटर भी मैंने कवर किया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को वो देख सकते हैं चाहें तो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी CBSE को नया अपडेट लेके आता है तो फिर हम लोग उस पर भी एक वीडियो तैयार करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।